मैं हूं अभी दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है पोल टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राम के देश में सैकड़ों रावण बन रहे हैं बीजेपी सरकार में। मणिपुर मामला आज देश का नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर देश की सरकार बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर इस घिनौने काम को अंजाम देने वालों की एक ही सजा सजाए मौत की मांग के साथ साथ बीजेपी का ये कौन सा राम राज्य है जहाँ सीता ही सुरक्षित नहीं, राम होंगे तो सीता सुरक्षित होगी। यहाँ तो सैकड़ों हजारों रावण बन रहे हैं बीजेपी सरकार में, तो क्या हाल होगा देश की बेटियों का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा है, यहाँ तो देश की बेटियाँ अब बेसहारा हैं। कहाँ बेंगलुरु में महिला कांग्रेस घटक की पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मणिपुर वायलेंस में महिलाओं के साथ हुए हैवानियत के इस काम के विरोध प्रदर्शन के दौरान। नंदनी दूध हुआ महंगा। नंदनी दूध प्रति लीटर 3 रुपये महंगा। महंगाई के दौर में जनता को एक और महंगाई का झटका। एक तरफ सरकार फ्री गारंटियों से जनता को खुश कर रही है, तो दूसरी तरफ रोजाना की चीजों के दाम बढ़ाकर क्या जनता से ही वसूल रही है। यही रोना है मेहनत मजदूरी से कमाने वाले परिवारों का। सीएम सिद्धरामैया को कई दिनों से दूध संगठनों की मांग थी कि बढ़ाए दूध के दाम। इस मांग को आखिरकार मान लिया सीएम ने। 1 अगस्त से राज्य भर में नंदनी दूध के प्रति लीटर दूध पर 3 रुपयों की होगी बढ़ोतरी। 3 घंटे की चर्चा के बाद सीएम ने लिया ये फैसला। 5 रुपये बढ़ाने को लेकर केएमएफ ने जोर दिया था सरकार पर, बात 3 रुपयों पर रुक गई। ये 3 रुपया दूध उत्पादक जो आर्थिक रूप से परेशानी के चलते नुकसान के कारण इन दूध के दामों को बढ़ाया गया है, जो इनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे पर हामी भरी गई इस मीटिंग में। टमाटर चोर गैंग की गिरफ्तारी। टमाटर के महंगे दामों का असर चोरों के लिए भी एक सुनहरी मौका बन गया है। सोना चांदी रुपया लूटने वाले चोर अब टमाटर के पीछे पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में हुआ है, जहां टमाटर से भरी गाड़ी लेकर पड़ोस के तमिलनाडु के बाजारों में बेचा करते थे। ये लुटेरे जो तमिलनाडु के ही निवासी भास्कर और संदूजा को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बड़ी लंबे दिनों की तलाशी के बाद जो घर में बैठकर ये प्लान बनाया करते थे चोर खाली गाड़ी खड़ी करके फरार होने वाले ग्रुप के 5 चोरों में 2 गिरफ्तार 3 फरार। 3 लाख कीमत टमाटर से भरी गाड़ी चुराने वालों को आरएमसी यार्ड पुलिस में मामला कर लिया दर्ज। 669 रौड़ियों की परेड। कोलार जिला पुलिस ने पंचायत इलेक्शन के चलते रौड़ियों को किया खबरदार। कोलार के जिला एसपी नारायण के नेतृत्व में रौड़ी परेड किया गया, जिसमें पिछले और अब के रौड़ियों के पसीने चुड़ाए पुलिस ने। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में तकरीबन 669 रौड़ियों को बुलाया गया था और इन्हें किसी भी आपराधिक मामलों में शामिल ना होने की चेतावनी दी। अगर मुजरिम ऐसे ही कामों में पाए गए तो सरहद पार करने की चेतावनी भी दी है जिला पुलिस विभाग और एसपी साहब ने। मच्छरों के ज्यादा पनपने का मौसम। लगातार बारिश और पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने और रोगजनक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। राज्य में रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चों में डेंगू बढ़ रहा है और पिछले 2 महीने की तुलना में डेंगू के मामलों में लगभग 15-20% की बढ़ोतरी हुई है। अचानक बुखार, आंखों के पीछे दर्द, तेज सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बच्चों में डेंगू की शुरुआती लक्षण हैं ये। माता पिता को इन चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और अपने डॉक्टरों से मशवरा लेना चाहिए, कहा है हेल्थ विभाग ने। गौ रक्षक और नैतिक पुलिसगिरी पर सरकार की बड़ी पकड़। राज्य में कांग्रेस सरकार के अधिकार में आते ही पुलिस के बिना खुद से कानून को हाथ में लेकर गौ रक्षक और लॉ जिहाद के नाम पर नैतिक पुलिसगिरी करने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा तेज।
कर दिया है सरकार ने। इसी के चलते मंगलुरु के बजरंग दल कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए सरहद पार और कानूनी कार्रवाई का संदेश रवाना करने पर भगवा संगठनों की ओर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस नोटिस पर फौरन इस नोटिस को वापस ले सरकार, ये ठीक नहीं है। देश की रक्षा करने वालों के साथ कहा है प्रमोद मुतालिक के अलावा भगवा संगठन के मुखंडों ने। पीएसआई घोटाले की होगी अदालती जांच। भाजपा सरकार में 540 पीएसआई भर्तियों में हुए बड़े घोटाले पर जांच करने की बात को आज साबित करते हुए इस घोटाले के पीछे का पर्दाफाश करने के लिए अदालती जांच का आदेश दिया है कांग्रेस सरकार ने। जस्टिस बी वीरप्पा के नेतृत्व में कमीशन की रचना की गई है। सरकार की ओर से जांच अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की सूचना दी है सीआईडी को। भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आतंकवादी गतिविधियों, बढ़ती महंगाई, गारंटी योजनाओं को लागू करने में नाकाम कांग्रेस सरकार और भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार, भाजपा के राज्य महासचिव अश्वत्थ नारायण और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बीजेपी आज राज्य भर के सभी जिला केंद्रों में विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ। बीदर में संदल लकड़ी चोरों की गिरफ्तारी। पुख्ता जानकारी के आधार पर पहली बार जिला पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के ज्वाइंट छापामारी में लाखों कीमत के संदल की लकड़ियों समेत 8 आरोपियों से 1,30,000 के 2 मोटरसाइकिल, 1,90,000 के 9 मोबाइल के साथ साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिलने की जानकारी दी। आज एक प्रेस मीट के दौरान जिला एसपी चन्न बसवन्ना लंगोटी ने इस मामले को कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई है, कहा जिला एसपी ने। सिद्धरामैया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से गारंटी योजनाओं से मतदाताओं को लुभाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 ब्रैकेट 1 लालच देने पर रोक लगाती है। हालांकि आरोप है कि गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं को लालच दिया गया है, इसलिए सिद्धरामैया को इलेक्शन से अमान्य इनवैलिडेट करने की मांग को लेकर केएम शंकर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। खबर है कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई को 28 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। शक्ति योजना का कोई असर नहीं। नम मेट्रो पर कांग्रेस की शक्ति योजना का कोई असर नहीं। हमारी मेट्रो यानी नम मेट्रो से करोड़ों की आमदनी, जून के महीने में 39.97 करोड़ की आमदनी हुई है। नम मेट्रो से स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों में बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने में 1,81,00,000 लोगों ने मेट्रो से किया है सफर। मेट्रो के मुसाफिरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है फ्री बस सेवा शक्ति योजना के बावजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।